मानदेय वृद्धि को लेकर रसोईया कार्यकत्री कल्याण समिति ने सोमवार से नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंदोलन शुरू कर दिया है। विभिन्न मंडलों से आई भारी संख्या में रसोइयों ने सम्मानजनक मानदेय मिलने तक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। रसोइयों की मांग है कि रसोईया चयन में पाले व्यवस्था समाप्त किया जाए, रसोइयों के मानदेय सीधे उनके खाते में जाए और रसोइयों को सम्मानजनक मानदेय मिले। जब तक हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं जाता तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मात्र 1000 में मानदेय पर कार्य करने वाले रसोइयों की सुधि नहीं ली। रसोइयों को केंद्र व प्रदेश सरकार भूल गई है। जब तक हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं जाता तब तक हम विद्यालय में भोजन बनाने का कार्य नहीं करेंगे। इस अवसर पर रामपाल पांडे, राम वृक्ष यादव, सरिता देवी, मंजू देवी, संजू देवी, रामनाथ, जगदीश यादव, अखिलेश विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में रसोइया मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गीता देवी ने कहा, नारी मांग पूरी हो, समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो, बाल व्यवस्था, 5000 हो, 5000 हो, बाल व्यवस्था समाप्त हो, सर हम लोगों का मानदेय आज यही है कि हम रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हम लोगों का न्यूनतम मानदेय 1000 सिर्फ रह गया है, जिस पे हम लोग काम करें वो भी समय से नहीं मिल रहा है। और साथ साथ जो है हम लोगों का मानदेय अगर 5000 बढ़ाकर नहीं किया गया तो 1000 मानदेय पर हम लोग अब काम नहीं करेंगे और यही हम लोग जो है प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। और हम लोगों का मानदेय जो है सीधे हमारे खाते में भेजा जाए, जो कि प्रधान और प्रधानाध्यापक के चंग से हटाया जाए और पाले व्यवस्था हमारी समाप्त किया जाए। ये अनिश्चित काल के लिए है और पूरे मंडल से हमारी सभी रसोईया माता बहनें यहाँ इकट्ठा हुई हैं और अनिश्चित काल यहाँ बैठे रहेंगी। क्या नाम है आपका? जी गीता देवी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर।